माफी से काम चल जाएगा। जिसके परिवार का सदस्य चला गया हो और वो पूरी जिंदगी खत्म हो गया हो, 84 लाख योनि में एक मनुष्य की योनि आई हो और उस पर ना ट्रैक्टर व गाड़ी चढ़ा दी हो, मैं तो ये कहूँ हे भगवान, हे गंगा माई, अगर ऐसे राजा सु राजा अब भी अपनी पार्टी के आदमी स्वस्थी पर नहीं देवा तो देश का बेड़ा गर्क होने वाला है। ताऊ जी, हाँ। लोग शादी कर रहे हैं, हैं? तो बीजेपी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी वाले शादी में ना आए, कार्ड छपवा रहे हैं बाकायदा। देखो सुनिए, हम बीजेपी वाला को ना तो शादी में बुला रहे ना हम बुलावे, और सुन ले मेरी बात, ना किसी को काम में बढ़न दे। और रही तुझे अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही ही, अके एक साल हो गए, हमने 2 साल भी हो जाएंगे जब भी यहीं पड़े रहेंगे, और इतना ये 700 आदमियों को शहीद का दर्जा नहीं देंगे और इनके परिवार को 45-45 लाख रुपए नहीं देंगे। और जो वो जो लखीमपुर में कांड हुआ, आज हम ना जानते कौन है वो मिश्रा बिश्रा, उसको के नाम है उस आदमी को जेल ना भेज जाएगा और गृह राज्य मंत्री का पद ना छीनेगा, इतने किसान मानने वाले नहीं हैं। जी एक साल हो गए हैं किसान आंदोलन को, अरे तू एक बात कर रहा है, बावड़े फड़े के कर रहा है, हमें 2 साल भी हो जाए महाराज, जब भी कुछ नहीं बिगड़ रहा, अभी तो छोड़ के भाग गए बीच में गर्मी में। सुनिए सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, धरना तरीके से चल रहा किसान ऐसा बिल्कुल गायब नहीं है, मेरी वीडियो बराबर देख लो, जो अगर नहीं हो इतनी जरूर है, चौथे दिन तीसरे दिन जब चला जा फिर आ जाएगा। मैं एक आदमी, एक लड़का वो भी ड्यूटी करा है और के नाम है खेत में भी थोड़ा बहुत हो तुम भैया, देख यू तो नक्शा हमें बहानेबाज बना रहा भाई, मैंने कोई इसके बहाना सामने ऐसे लोगों के लिए सख्त मना कर दिया। सुनिए सुनिए, इसके दूध के नाम भाग जाते हैं यहाँ से। अरे रुक जा रुक जा, पहली बात तो नरेश टिकैत जी से तू अभी बात कर ले, मेरा नाम दे दिया नेपाल से, मेरे जिले में हम 2 आदमी ऐसे हैं जिनकी उम्र 71 एक की 95 है, केवल 2 ही आदमी हैं जो किसान है, आज 34 साल हो गए इस यूनियन में रहते हैं, क्यों हमने उसका देखा हो तो गंगा जी में भी जावे हैंगे, अन्यू पानी उछाल है, अन्यू कहे 14वें दिन पैसे दे देंगे और पैसे हो गए 18 महीने, वे हैं झूठे और झूठे बोल रहे हैं पुलिंदे, हम ना मानने उनकी बात सब बिल्कुल भी, हम जब मानेंगे सुन ले कैबिनेट से पास हो जाएगा और तेरा राम कैबिनेट ने कर दिया पास। और आज सुन अभी सुन ले, और 700 आदमी जो हमारे शहीद हुए हैं उनको 45-45 लाख रुपए मिलेंगे, और जो लखीमपुर खीरी का कांड हुआ है जो अंग्रेजों के शासन में वैसा रिडार ना करा जो गोली चल ऐसा ही इसने जो करा है, हम इतने इसे बर्दाश्त बात नहीं करेंगे। मेरी बात सुन, उस निमार गुंडी का मेरे आगे नाम मत ले, मैं कहने में हिचकिचा भाई सुन ले, हम उसे बिल्कुल उसकी बात नहीं करेंगे। और सबसे ज्यादा दुख हुआ था उनको कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कानून वापस नहीं होने चाहिए थे भाई, यही तो सुनिए यही तो देख रहे हैं वे, एक चिल्लो पानी में डूब के मर जावे, जो जितनी फिल्म एक्टर है कौन हो वे नाचे जो वे नाच कर रहे हैं निभावे, अब एक चुल्लो पानी में डूब के मर जाओ। मीडिया वालों को भी नाराजगी है मोदी जी से, अब उन्होंने कानून वापस ले लिया, ऐसा है मोदी जी सारे कानून और जितने ये भी लेगा, और सुन एक कंडीशन अभी और है, वह तो मैंने तेरे से बताई ना, हमारी राष्ट्रीय राजधानी है सिसोली, सुनिए राष्ट्र का जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष है नरेश टिकैत, मोदी जी वहाँ भी जाएंगे और वहाँ माफी मांगेंगे, फिर उसके बाद में सारी बात मानने के बाद में जब जैसा नरेश टिकैत कहेंगे वैसे हम बात को मानेंगे, इतना मानना। एमएसपी पे कानून नहीं बनाया सरकार ने तो अभी डटे रहोगे। बोले तू यू बोले कानून भी बन जाओ और उल्टा भी ले लो, इतने 45 लाख रुपए तो उनको शहीदों को ना मिलेंगे जो मर खत्म हो गए उनके परिवार को, और जो वो कौन है गृह राज मंत्री बार बार मतना कवावे वो इतने जेल ना जाएगा, और ये सारी बात भी बनकर मुकदमे वापिस नहीं होवेंगे, हम कहाँ फिरेंगे। आपने लगातार कहा कानून वापसी घर वापसी, रुक जाओ, क्या मुकदमे हमारे कोई भाई भतीजेवाद के हमारे तकरार के हैं, वे भी तो कानून के पीछे लगे, क्या ये आदमी जो 700 मरे हैं ये कानून के पीछे मरे या उनका कोई डोले का लड़ाई ही, अच्छा ये सारी बात हो जाएगी और फिर भी हमारे पहले तो नहीं थी ना शामिल ये डिमांड आपने, यू देखे दिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे और बात आ जाएंगी, डिमांड तो दिन बढ़ने के बाद है और फिर यू सिसोदी जावेगा और राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है हमारे नरेश टिकैत जी उनकी माफी मांगेगा, जैसे भी ना हम खुश ना भाई, मैं तो आपने तो मिठाई बांटी थी, सुनिए पहले, अरे मेरी सुन, अरे रोक तो जा, हमने ये भारे कुछ बाढ़ को ना न्यू बाटी, मेरी तो जब 71 साल के मैंने ना बाटी न्यू बाटी ही ना नई बाटी, सुन लेकर हाँ सहमत ना, हमने थोड़ी सी न्यू खुशी सी करी, अख यू आदमी 12 महीने से झुकने वाला ना, यू झुक गया
जिनने अपने आप ही कानून वापिस दिए, हाथ जोड़े, अब लो जो है यू सबने बोल बंद कर। प्लान तो नहीं है सरकार का इसके पीछे वापस लेने का? प्लान होगा उसे भी देखेंगे, हम तो आई भुगत रहे हैं, हमारा कुछ ना, हमें पता ना है, हम तो जो हमारे आगे आओगे उसे भुगतेंगे। ऐसा है, मेरी बात सुनिए, मोदी जी का तो सुन ले यू, अब लो जो वह महाड़ की माखी हो ना उसके पिंडी में मारे एक रहा बुड़क और उसमें सैंत लिख देख रहा, इसके आगे कोई बोल रहा तो है ना। अब संयुक्त मोर्चे ने एक साल से वह हिम्मत करके दिखाई है कि उसके सामने बोल ले, और ये लाल ततैयों का छत्ता है, इसमें बहुत दिन अब क्या गारंटी है आप लोगों की? तो लिस्ट बढ़ती जा रही है, अगर सरकार एमएसपी पे कानून बना दे। तू एक बार बतला के तू कह जा कितनी, हम ना माने तू, हम तू कह जा कैसा करेगा, हम ना मान रहे, हम ना जावे है तू वापस जाओगे? ना जावे, ना जावे, ना जावे कैसा करेगा, यही रहोगे? ये तो तानाशाही आपकी होगी। ये देखिए, जिसके परिवार के सदस्य मर गया, आदमी के हमारा हाथ टूट गया, हम उन्होंने छोड़ के चले जा, वे उनके कितना दुख होगा देखे यू बतना। और जो जेल में पड़े वे किसके पीछे पड़े हैं? वे हमारे पीछे ही तो आए हैं। मिलना गए किसी से जेल? तू गए क्यों ना आएंगे, वहाँ गएंगे, हम तो हमीरपुर जेल में गएंगे, सब जगह गए जहाँ जहाँ है। और फिर सुनो, हमारा काम जाने का नहीं होता, हमारा काम है विरोध करने का। दिल्ली जाओगे? हम हाँ, जैसा भी होगी दिल्ली आदेश करेगा हमारा टिकट तो हम संयुक्त मोर्चा चलेंगे, और ना करेगा ना जाएंगे, वो तो हम उसके पीछे। आज फिर पत्थर लगा दिए? अरे यू बावड़ा है जहाँ बाले लग लिए इतने लंबे लंबे, वहाँ सुतरे पत्थर मारा के एक रंगे, हम तो बाले से हटने वाले ना। ये पत्थर ने कहा था ना, यू देखिए यू तनक सा छोरा हमें पका रहा, पत्थर को तो सुतरे को तो एक आधे को ले आ, देखा जो भगा दो, मेरी 71 साल की उम्र है।